तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ट्रैक चेक करने के बाद हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे फोन नोकिया हो, एलजी हो, सैमसंग है, ओप्पो, वीवो, कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहली मेन जरूरत की चीजें क्या होती है, जैसे आपका ये बोर्ड होता है, जितने भी सारे रिपेयर करने वाले पर्सन होते हैं, रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं, यही एक ऐसी चीज होती है कि जो आपको ट्रेसिंग में मेन सीखनी होती है। बाकी सारी चीजें तो आप गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, या बहुत सारी और भी चीजें आइकन है, जिन सब चीजों से आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, यूनिक होती है, जो आपको क्लास में ही समझनी होती है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर बहुत सारी आईसियां लगी हुई हैं, या बहुत सारे जैक लगे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, लेकिन ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं आपस में काम कैसे करते हैं, कैसे करंट इस पे जाता है, इस पे जाता है, इस पे जाता है, फिर इस पे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर आगे जाने के बाद ट्रांसफर हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक चेकिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैक चेकिंग। देखिए, कल मैंने आपको, कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में जो भी सारे जो ट्रैक होते हैं वो ट्रैक एक आपस में कनेक्टिविटी के हिसाब से कनेक्ट होते हैं। कि जैसे कि कल मैंने आपको दो चीज समझाई थी, एक सीरीज समझाया था, दूसरा क्या समझाया था? पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है वो चीज जो एक लाइन में लगी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। पैरेलल का मतलब क्या होता है? वो चीज जो दो लाइन के बीच में लगी हो। क्या लगी हो? दो चीज के लाइन के बीच में लगी हो, तो दो लाइन के बीच में लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। हमारे मोबाइल फोन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सीरीज और पैरेलल दोनों पोजीशन में मिलकर के लगे होते हैं, मतलब वो सीरीज में भी होते हैं और कैसे होते हैं? पैरेलल में होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बात ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे मोबाइल फोन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सीरीज पैरेलल में आपस में काम कैसे करते हैं। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, नोकिया, एलजी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईफोन, किसी भी कंपनी का कोई भी फोन हो, सभी कंपनी के मोबाइल फोन में जो ट्रैक को पूरा करने के लिए कनेक्शन लगे होते हैं वो चार कंपोनेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा जो मोबाइल फोन में ट्रैक को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर, दूसरा कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है कैपेसिटर, उसके बाद तीसरा कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है कॉइल, चौथा कंपोनेंट होता है डायोड। अगर आप इसकी बात करेंगे, इसकी वर्किंग की बात करेंगे, तो ये क्या, जैसे ये लगा है तुम्हारा रजिस्टर, ये तुम्हारा लगा हुआ है कैपेसिटर, ये तुम्हारा लगा हुआ है कॉइल, और ये तुम्हारा लगा हुआ है डायोड। तो जो मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो इस तरीके से चार पांच अलग अलग पोजीशन में कंपोनेंट लगाए जाते हैं। और ये कंपोनेंट में से क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो तुम्हारा जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये तुम्हारा कंपोनेंट सीरीज की पोजीशन में इसमें लगा हुआ है, उसके बाद जो ये वाला कंपोनेंट जो लगा हुआ है ये तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में है, उसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये किसमें लगा हुआ है, उसके बाद ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में। तो इसका मतलब होता है मोबाइल फोन में जो कंपनी कंपोनेंट लगाती है वो सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्सअप लगाती है। कैसे लगाती है? सीरीज पैरेलल दोनों को मिक्सअप में लगाती है, मतलब सीरीज फॉर्म में भी लगे होते हैं और पैरेलल फॉर्म में लगे होते हैं। अब देखिए, जितने भी सारे जो ट्रैक होते हैं इनका आपस में काम करने का सिद्धांत कैसा होता है, प्रिंसिपल कैसा होता है। जैसे एग्जांपल सी बात है, आपके मोबाइल फोन में जो भी ट्रैक बने होते हैं, जो भी लाइनें जाती हैं, जो भी सप्लाई जाती हैं, वो अपनी कहीं ना कहीं एक आईसी से कनेक्ट होती है। कहां से कनेक्ट होती है? एक आईसी से कनेक्ट होती है कि आईसी तक वो सप्लाई जाएगी तभी वो काम करेगी। अब आईसी तक सप्लाई पहुंचने के लिए या आईसी में इनपुट आने के लिए, आईसी से आउटपुट जाने के लिए बीच में कंपनियां कंपोनेंट को क्या करती हैं? एडजस्ट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल सी बात है कि आपने अपने घर में पंखा लगाया लेकिन पंखे के बीच में छोटा सा फ्यूज डाल दिया। फ्यूज इसलिए डाल दिया ताकि जैसे ही पंखे पे लोड पड़े या वोल्टेज में 19-20 का चेंजेस हो तो फ्यूज खर्च उड़ जाए और पंखा तुम्हारा फूकने से बच जाए, तो मतलब फ्यूज डाल दिया। उसी तरीके से मोबाइल फोन में जब आईसी काम करती है तो आईसी को काम करने के लिए यहां से सप्लाई चाहिए होता है। मान लिया आईसी को 5 वोल्ट करंट चाहिए, तो आईसी को जब 5 वोल्ट करंट यहां से चलेगा तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? रेजिस्टेंस लगा देगी। ये रजिस्टर क्या करेगा? सप्लाई को कम करेगा। क्या करेगा? उसके बाद फिर कंपनी एक बीच में डायोड लगा देगी।
ये पार्लर पोजीशन में है, उसके बाद कंपनी एक क्वाइल लगा देगी, फिर एक कैपेसिटर लगा देगी, फिर सप्लाई आईसी के अंदर डाल देगी। कंपनी चाहती तो ये सप्लाई को आईसी पे डायरेक्ट भी डाल सकती थी, लेकिन उसमें बीच में इतने सारे कंपोनेंट क्यों यूज किए, क्योंकि उसका मेन काम है कि आईसी को सुरक्षित रखना। क्या रखना? आईसी को सुरक्षित रखना और आईसी में प्यूरिफाई करंट देना, मतलब आईसी को बिल्कुल प्योर करंट देना, ताकि आईसी अच्छी तरीके से काम करती रहे। अब देखिए मोबाइल फोन में होता क्या है कि जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं आपको बताना हूं कि जैसे मान लिया यहां से करंट आया, तो कंपनी सबसे पहले रजिस्टर लगा देती है। तो रजिस्टर का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, इसका काम होता है करंट को कम करना। क्या करना? करंट को कम करना। और रजिस्टर कोई नहीं काम करेगा, सिर्फ इसका एक ही काम है करंट को कम करना। करंट को कम करने के बाद फिर करंट आगे चला जाएगा, तो फिर कंपनी क्या करेगी, मान लिया कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर क्या काम करता है? करंट को फिल्टर करता है। फिल्टर का मतलब क्या होता है? करंट को बैलेंस करता है, या अपने अंदर करंट को स्टोर भी कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कहता हूं, यहां से मान लिया आपका करंट आया 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट करंट तुम्हारा आगे चला गया, तो रजिस्टर क्या करेगा? 5 को कम करेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है कम करना। तो रजिस्टर क्या करेगा? करंट को कम कर देगा। मान लिया उसने 1 वोल्ट करंट को कम कर दिया, तो यहां पर वोल्टेज हो गया 4 वोल्टेज। अब ये 4 वोल्टेज करंट आगे जाएगा, 4 वोल्ट करंट आगे जाने के बाद फिर ये करंट कहां पर जाएगा? कैपेसिटर पे जाएगा। कैपेसिटर जो होता है, ये पानी की टंकी स्टोरेज की तरह काम करता है। वो बीच में जब लगा होता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? पहले करंट अपने अंदर भर लेगा। क्या करेगा? करंट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, भर लेगा। जब करंट अपने अंदर स्टोर कर लेगा, मान लिया यहां पर कैपेसिटर लगाया गया 7 वोल्ट 8 वोल्ट का, तो कैपेसिटर क्या काम करता है? अपने अंदर करंट को भर लेता है। तो यहां पर जब कैपेसिटर के आगे जो करंट मिलेगा, वो 4 वोल्ट नहीं मिलेगा, 5 या 6 वोल्ट हो जाएगा, करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां पर करंट को स्टोर कर लिया गया। जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूं, आपने अपने घर में समर लगाया है, समर से जो पानी आ रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अगर उस समर का कनेक्शन आप डायरेक्ट ना लेकर के पहले टंकी पे डाल दो, तो पहले क्या होगा कि जब टंकी से पानी आएगा, तो पहले टंकी में पानी भरेगा, जब टंकी में पानी भर जाएगा, फिर टंकी से पानी निकलेगा। तो इससे फायदा हमको ये मिलेगा कि हमको प्रेशर बना रहेगा। क्यों प्रेशर बनेगा? क्योंकि हमारा फ्लो कम भी हो जाए, लेकिन टंकी से हमको पानी, जो भरा हुआ पानी है, उसका फ्लो हमको मिल जाएगा। उसी तरीके से यहां पर वोल्टेज 4 वोल्ट आ गया, बीच में कंपनी ने कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर क्या करेगा? अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेगा। जब वोल्टेज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो आगे करंट निकलेगा, तो आगे कितना निकलेगा? 5 ही वोल्ट निकलेगा। क्यों 5 वोल्ट निकलेगा? क्योंकि अपने अंदर स्टोर कर लिया है। फिर ये 5 वोल्ट करंट आगे जाने के बाद फिर कंपनी बीच में कॉइल लगा देती है। कॉइल क्या काम करती है? कॉइल में से फेरे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? अब फेरे बनाने का मतलब क्या है? फेरे बनाने का मतलब ये रहता है कि कॉइल का काम होता है कि फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करता है। क्या काम करता है? फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करता है, मतलब जो भी आपका जो करंट आता है, उस करंट में जो वेरिएशन आता है, मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। जो एसी पल्सेस आती हैं, तो कॉइल के अंदर जब करंट गुजरता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट करंट हो जाता है। तो यहां पर जब 5 वोल्ट करंट आएगा, तो यहां पर 5 वोल्ट ही निकलेगा, लेकिन प्योर करंट निकलेगा। प्योर का मतलब ये रहता है कि 5 वोल्ट जो करंट है, उसमें से जो उतार चढ़ाव है, कम ज्यादा, वो बिल्कुल बराबर कर देगा, बिल्कुल एक लेवल में करंट निकलेगा। उसके बाद कंपनी यहां पर डायोड लगा देती है। डायोड क्या करेगा? डायोड का मान लिया तुमने लगा दिया, डायोड पैरेलल पोजीशन में लगा है, ये डायोड फिक्स वोल्टेज का लगा के, यहां से जब करंट निकलेगा, तो ये करंट तुम्हारा किसके अंदर चला जाएगा? आईसी के अंदर चला जाएगा। ये डायोड जो तुम्हारा है, ये 5 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 5 वोल्ट का डायोड है। तो यहां से जब करंट निकलेगा, तो करंट निकलने के बाद 5 वोल्ट करंट तुम्हारा चला जाएगा आईसी के अंदर। तब आपके मोबाइल फोन में आईसी को कितना करंट मिलेगा? 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अब डायोड का काम होता है फिक्स वोल्टेज देना। फिक्स का मतलब होता है 5 ही वोल्टेज देगा। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा, जैसे मतलब 6 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट हो गया, तो उस करंट को क्या कर देगा? ग्राउंड कर देगा। तो उस करंट को ग्राउंड करने से क्या होगा? वो करंट क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा। तो जो आईसी को मिलेगा, तो आईसी को कितना मिलेगा? प्योर 5 वोल्ट करंट मिलेगा। कितना मिलेगा? प्योर 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अब अगर मान लिया यहां पर थोड़ा सा बदलाव हो गया, क्या बदलाव हो गया? यहां पर जो आपका वोल्टेज जो आ रहा था, 5 वोल्ट आ रहा था, 5 की जगह पर मान लिया तुम्हारा वोल्टेज हो गया 7 वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ गया। अब रजिस्टर का काम था करंट को 1 ही वोल्ट कम करेगा, तो यहां पर कितना निकलेगा? बीच में कंपनी ने कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर अपने अंदर भर लेगा, लेकिन ये कह रहा 6 वोल्ट है, तो 6 का 6 तो निकल ही जाएगा, 5 थोड़ा, क्योंकि कम होता तो उसको अपने अंदर भर के दे देता, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा आ रहा है,
तो कैपेसिटर ऊपर से फ्लो हो जाएगा, फिर आगे करंट जाएगा तुम्हारा कॉइल पे, कॉइल 6 का 6 वोल्ट निकाल देगा, फिर यहाँ पर डायोड जो लगा है। अब ये डायोड क्या काम करेगा, क्योंकि डायोड फिक्स वोल्टेज है, क्या है फिक्स वोल्टेज, तो यहाँ से जो वोल्टेज आएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज 6 आएंगे, तो लेकिन आगे आईसी को कितना मिलेगा, 5 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 1 वोल्ट जो हो जाएगा इसको ग्राउंड कर देगा, क्योंकि डायोड का प्रॉपर्टी है यहाँ पर जीने डायोड है, जीने डायोड फिक्स वोल्टेज देता है। फिक्स का मतलब होता है यहाँ से जो करंट आएगा 5 वोल्ट करंट या 6 वोल्ट करंट आया तो आगे तुमको 5 ही मिलेगा, 1 वोल्टेज डायोड क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, माइनस कर देगा, क्यों, क्योंकि डायोड का काम होता है फिक्स वोल्टेज देना। तो देखिए यहां पर बात कुल मिलाकर के ये निकल करके आ रही है कि आईसी को 5 ही वोल्ट करंट मिल रहा है, चाहे वोल्टेज कम आए चाहे ज्यादा आए, ये कंपोनेंट्स आपस में मिल करके क्या कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, आपस में मिल करके एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का फ्लो बिल्कुल बराबर रखते हैं, क्या रखते हैं, वोल्टेज का फ्लो बराबर रखते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, जब चलती है तो उसमें सॉकर नहीं होते, सॉकर क्या काम करते हैं, गाड़ी गति कम ज्यादा हो लेकिन उसका बैलेंस बनाकर रखते हैं, अगर बैलेंस नहीं बनाकर रखेंगे तो चलाने वाले को भी उतना झटका लगेगा और जल्दी वो खराब हो जाएगा। उसी तरीके से आईसी में होता है कि आईसी में अगर बार बार इसी तरीके से वेरिएशन अगर कम ज्यादा होता रहा तो आईसी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फूक जाएगी, इसीलिए आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी बीच में इस तरीके से सर्किट बनाती है, क्या बनाती है, सर्किट बनाती है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर जो आईसीओ की कनेक्टिविटी होती है, जैसे एग्जांपल सी बात है, मान लिया ये आपकी आईसी लगी है, इस आईसी को काम करने के लिए यहां से जो करंट आया, यहां से 4 वोल्ट करंट आया, कितना वोल्ट करंट आया, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट करंट आने के बाद कंपनी ने बीच में कॉइल लगा दिया, फिर सप्लाई आगे चली, बीच में डायोड लगा दिया, फिर सप्लाई आईसी के अंदर चली गई, तो आईसी को तो 4 वोल्ट करंट मिल गया। अगर गल को बैटरी में थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा भी हो जाता तो आईसी को 4 ही मिलता, क्योंकि डायोड क्या कर देता उसको, डायोड क्या काम करता, उस करंट को क्या कर देता, ग्राउंड कर देता, उस करंट को कम कर देता। अब यहां पर जो करंट आपको आईसी को 4 वोल्ट करंट मिलेगा, तब आईसी तुम्हारी काम करेगी। अब आईसी क्या करेगी, अपने अंदर करंट और रखेगी नहीं, वो फिर किसी और सर्किट को दे देगी, वो मतलब वाईफाई सेक्शन है, एमएमसी है, सीपीयू है, या मोबाइल फोन में और भी सारी आईसीएं लगी है, तो आईसी क्या करेगी, अपने पास से करंट निकालेगी, बीच में कॉइल लगा दिया, फिर करंट आगे निकाल दिया। ये जो कॉइल लगी होती है, कॉइल से क्या होगा, जो सप्लाई तुम्हारी यहां निकलेगी, अब बीच में कंपनी ने कैपेसिटर भी डाल दिया, इससे रहेगा कि यहां तो कॉइल से जो 4 वोल्ट करंट निकलेगा या मान लो 3 वोल्ट करंट निकलेगा, तो इस कैपेसिटर पे भी 3 वोल्ट करंट आ जाएगा, फिर ये करंट तुम्हारा कहां चला जाएगा, किसी दूसरी आईसी के लिए चला जाएगा। अब कंपनी ने यहां पर कैपेसिटर क्यों डाल दिया, इसलिए डाल दिया ताकि अपने अंदर वोल्टेज को भर लेगा, ताकि अगर वोल्टेज में कम ज्यादा परिवर्तन होगा तो यहां से वोल्टेज थोड़ा सा उसको मिल जाएगा, जिससे क्या रहता है कि ऐसा कई बार मोबाइल फोन में वेरिएशन होता है तो उसको वोल्टेज प्रोवाइड हो जाते हैं, यानी वोल्टेज उसको मिल जाते हैं। फिर यहां से करंट निकलेगा, कंपनी बीच में रजिस्टर लगा देगी, डायोड लगा देगी, फिर सप्लाई किसी दूसरे सर्किट को चली जाएगी। तो यहां पर जो कंपोनेंट, मेरा समझाने का मतलब यह है, जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो सीरीज और पैरेलल दोनों पोजीशन में लग करके ही पूरे मोबाइल फोन के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, ताकि आपका मोबाइल फोन काम करता रहे। अब हमारे मोबाइल फोन के अंदर छोटे छोटे कई सारे सर्किट और बनते रहते हैं, जैसे ये तो सिंगल सिंगल सर्किट मैंने बताया, हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक और सर्किट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर सर्किट, क्या बोलते हैं, डिवाइडर सर्किट। आपका तो सजी डिवाइडर सर्किट क्या होता है, डिवाइडर सर्किट कई बार आपके मोबाइल फोन में अंदर देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, यह डिवाइडर सर्किट आपस में काम कैसे करता है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा समझाता हूं। डिवाइडर सर्किट का मतलब होता है, जैसे मान लिया एग्जांपल सी बात है, आपकी आईसी है, ये सीपीयू आईसी, सीपीयू आईसी को काम करने के लिए यहां से करंट आया, यहां से करंट आने के बाद कंपनी ने बीच में एक लगा दिया रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस जो था वो तुम्हारा काफी हाई वैल्यू का था, जैसे मान लिया 10 किलो ओम का रजिस्टेंस, तो यहां से जो वोल्टेज आया 5 वोल्टेज आया, तो यहां पर वोल्टेज तुम्हारा कम हो गया, 5 वोल्टेज आने के बाद यहां पर हो गया 0.10 वोल्टेज, कितना हो गया 0.10 वोल्टेज, फिर कंपनी यहां पर एक रजिस्टर और लगा देगी, फिर सप्लाई सीपीयू के अंदर डाल देगी। अब अगर यहां पर देखा जाए तो यहां से जो रजिस्टर लगा, एक रजिस्टर सीरीज पोजिशन में लगा है, दूसरा रजिस्टर किसमें लगा है, पैरेलल पोजिशन में लगा है,
अब यहाँ पर सीरीज पैरेलल में काम क्या हो गया, एक ही कंपोनेंट उसी को सीरीज फॉर्म में लगा दिया, एक ही कंपोनेंट को उसमें किसमें लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। अब कैसे काम रहेगा, इसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। जैसे यहां पर जब करंट आया तो कितना वोल्ट करंट था, 5 वोल्ट करंट। जब यहां पर आया तो यहां पर वोल्टेज कम हो गया, फिर यही 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस इधर भी लगा दिया, तो यहां पर जो वोल्टेज आया उस वोल्टेज को बहुत कम कर दिया। उसके बाद ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई कहां चली जाएगी, सीपीयू के अंदर। अच्छा, डिवाइडर सर्किट जब बनाए जाते हैं तो यहां पर जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है, ये रेजिस्टेंस एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है, स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है। अब स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये रजिस्टर जो होता है, इस रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं थर्मिस्टर। क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर का काम क्या होता है, थर्मिस्टर का ये काम होता है कि यहां से जो करंट आया 10 वोल्ट पॉइंट 10 वोल्टेज के बाद ग्राउंड हो रहा है, उसके बाद सप्लाई कहां जा रही है, सीपीयू पे जा रही है। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर जब 5 वोल्टेज आएगा तो 5 वोल्टेज के बाद यहां पर 0.10 वोल्टेज बन जाएगा। अगर कल को ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये वोल्टेज कहां हो जाएगा, तो सीपीयू पे वोल्टेज कितना जाएगा, कुछ नहीं, जीरो। अब क्यों जीरो हो गया, उसका एक छोटा सा लॉजिक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक हमारे मोबाइल फोन के अंदर थर्मिस्टर रजिस्टर यूज होता है। इस थर्मिस्टर रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि यहां से जब इसको करंट आप दे दोगे तो करंट देने के बाद जब इस रजिस्टर को गर्म कर दोगे तो ये रजिस्टर करंट को आगे फेंक देगा, अगर रजिस्टर को ठंडा कर दोगे तो करंट नहीं फेंकेगा। ये रजिस्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी। इसको बोला जाता है थर्मिस्टर रजिस्टर। थर्मिस्टर रजिस्टर का प्रॉपर्टी क्या है, ये रजिस्टर जब गर्म करोगे, क्या कर दोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे फोन को बंद कर लो, साइलेंट नहीं कर सकते तुम, तो आ रहे हो तो उसको साइलेंट कर लो। तो यहां पर जब करंट आएगा तो ये थर्मिस्टर रजिस्टर क्या करेगा, अगर ये हीट हो जाएगा तो करंट को पास कर देगा, और नहीं हीट होगा तो करंट को नहीं पास करेगा। अब इसका मोबाइल फोन में क्या इफेक्ट होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसा रजिस्टर हमारे मोबाइल फोन में लगा दिया जाता है कि अगर मान लिया जब आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन यूज होते मोबाइल फोन के अंदर पूरा मोबाइल फोन का मदरबोर्ड गर्म हो जाता है। वो इतना गर्म हो जाता है कि जब और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो अंदर का पूरा बॉल वॉल सब कुछ पिघल जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो कंपनी ने एक यहां पर रजिस्टर पैरेलल पोजिशन में लगा दिया। पैरेलल पोजिशन में लगाने का मतलब क्या है कि अगर कल को आपका पूरा मोबाइल फोन गर्म हो जाता है तो ये रजिस्टर भी गर्म हो जाएगा। जब ये रजिस्टर गर्म हो जाएगा तो रजिस्टर क्या करेगा, इस करंट को आगे पास कर देगा। जब रजिस्टर आगे करंट को पास कर देगा तो सीपीयू को वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि इसने रजिस्टर ने क्या किया, वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया। जब वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया तो इस सीपीयू को वोल्टेज मिलना बंद हो गया। जब सीपीयू को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा तो सीपीयू काम करना बंद कर देगा। जब सीपीयू काम करना बंद कर देगा तो तुरंत आपके मोबाइल फोन में अलार्म हो जाएगा, फोन इज ओवर हीटिंग, फोन शट डाउन। ये उसके अंदर सेट कर दिया जाता है कि जैसे ही ये वोल्टेज आना बंद हो जाएंगे तो सीपीयू समझ जाएगा कि फोन गर्म हो रहा है, अब हमको बंद करना चाहिए, तो आपको मैसेज देगा फोन इज शट डाउन 10 मिनट 10 सेकेंड, फोन इज ओवर हीटिंग। और जैसे ही फोन ठंडा हो जाएगा तो रजिस्टर फिर अपना काम करना शुरू कर देगा, या तो मोबाइल फोन अपने मन से चालू हो जाएगा, नहीं तो ऑन ऑफ से फिर चालू करोगे तो फिर चालू हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा जो थर्मिस्टर रजिस्टर लगाया जाता है, तो ये थर्मिस्टर रजिस्टर हमेशा छोटा सा डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पहले अपने घर पे बनाते थे, कैसे बनाते थे, यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आने के बाद इसके अंदर जा रहा है, लेकिन जब पानी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर छोटा सा हम लोग चेक वाल्व लगा देते हैं ताकि अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये फट से खुल जाएगा। जैसे कुकर नहीं होता, कुकर के अंदर छोटा सा एक अलग से दिया होता है ताकि इतना ज्यादा प्रेशर हो जाए कई कारण से अगर सीटी ना आए तो कुकर फटे ना, वो एयर पिन फट से निकल जाएगा। तो जो एयर पिन होता है वो क्या काम कर रहा है, वो डिवाइडर सर्किट का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में जो कई सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं उन सारे सर्किट में डिवाइडर सर्किट बना दिया जाता है।
क्या बना दिया जाता है, डिवाइडर सर्किट बना दिया है। ये सारी बातें आपको सिमेटिक में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? सिमेटिक में। जब आप बोर्नियो सिमेटिक ओपन करते हो तो बोर्नियो सिमेटिक में ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं कि जैसे एग्जांपल की बात है, कोई एक आईसी लगी है, इस आईसी का ट्रैक है, यहां से करंट आया, फिर सप्लाई एक रेजिस्टेंस पे हुई, रेजिस्टेंस के बाद फिर एक रेजिस्टेंस बना, फिर ग्राउंड हो गया, फिर चला गया। अब यहां पर एक बात आती है, क्या सर जी अगर यहां पर एक रजिस्टर लगा है और रजिस्टर के बाद कैपेसिटर लगा है तो क्या ये डिवाइडर सर्किट है? नहीं है। डिवाइडर सर्किट जो होता है वो रजिस्टर के रूप में ही बनाया जाता है। डिवाइडर सर्किट बनाने का मतलब क्या होता है? वो बाईपास सर्किट होता है ताकि अगर इन केस अगर करंट में वेरिएशन हो जाए और कुछ हीटिंग हो जाए तो ये अपने मन से शॉर्ट हो जाए। जब ये अपने मन से शॉर्ट हो जाएगा तो इस लाइन में वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, जैसे वोल्टेज डाउन हो जाएंगे तो सीपीयू क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में, छोटे बड़े कई सारे मोबाइल फोन में डिवाइडर सर्किट बनाए जाते हैं। अच्छा, डिवाइडर सर्किट से वोल्ट, कई बार ऐसा होता है कि डिवाइडर सर्किट से वोल्टेज भी अलग अलग निकाले जाते हैं। कैसे वोल्टेज निकाले जाते हैं मैं वो भी बताता हूं। जैसे मान लिया यहां से आपकी एक आईसी लगी है, आईसी ने करंट दिया, एक रजिस्टर लगा दिया, आईसी ने जब करंट निकाला तो 4 वोल्ट करंट निकाला। कितना निकाला? 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट करंट निकालने के बाद ये रजिस्टर लगा, ये 4 वोल्ट को आधा कर देता है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। फिर उसके बाद कंपनी ने एक और रजिस्टर लगा दिया, फिर उसका आधा कर दिया तो यहां पर कितना हो गया? फिर कंपनी ने एक और रजिस्टर लगा दिया तो इसका आधा कर दिया तो कितना हो गया? अब यही वोल्टेज तुम्हारा चला जाता है, मान लिया डिस्प्ले में लाइट ऑन करने के लिए, यहां से वोल्टेज चला जाता है तुम्हारा स्पीकर ऑन करने के लिए, और यहां से वोल्टेज चला जाता है तुम्हारा माइक ऑन करने के लिए। अब ये वोल्टेज जो होता है इसको उठा करके फिर दोबारा सीपीयू पे डाल दिया जाता है, इस वोल्टेज को उठा करके फिर सीपीयू पे डाल दिया जाता है, इस वोल्टेज को उठा करके फिर सीपीयू पे डाल दिया जाता है। अब कह दो सर जी ये कैसे काम करता है? तो इस सर्किट को, इसे बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। जैसे यहां से करंट आया तो ये करंट कम हो गया, तो ये जो कम वाला करंट है इसका फीडबैक कहां दिया गया? सीपीयू को दिया। जैसे तुम खाना खाते हो, 4 रोटी खा गए 5 रोटी खा गए 6 रोटी खा गए तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो ऐसा यंत्र लगाया जाएगा कि दिमाग को पता चल जाए कि भाई पेट भर गया है, कि जब ठूंठ ठूंठ के कहीं से निकल ही आएगा तभी पता चलेगा खाना पेट भर गया। तो उसी तरीके से क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जब आपने स्पीकर को बजा दिया, स्पीकर फुल कर दिया, आवाज फुल हो गई, लेकिन फुल होने के बाद उसका कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग तो दिया जाएगा। वो कंट्रोलिंग का मतलब होता है उसका एक फीडबैक वोल्टेज जो होता है, वो फीडबैक वोल्टेज कहां पर दिया जाता है? सीपीयू को दिया जाता है। वो सीपीयू को क्यों दिया जाता है? सीपीयू को इसलिए दिया जाता है ताकि उसको ये पता रहे कि भाई इसको इतने लेवल तक ले जाना है, उसके बाद नहीं ले जाना। उसके बाद अगर ले जा रहे हो तो खतरा है, अगर उससे ज्यादा ले जा रहे हो तो फिर सीपीयू पावर आईसी को दोबारा बोलेगा कि भाई ये वोल्टेज कम करो, तुम वोल्टेज ज्यादा करो आगे फूक जाएगा। तो इन सारे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सर्किट। इसी तरीके से ये आपके मोबाइल फोन में जो छोटे छोटे कई सारे अनगिनत मिलकर के जो बन जाते हैं, इन्हीं सब चीजों को बोलते हैं हम लोग डिवाइडर सर्किट। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाने की कोशिश करता हूं, या बोर्ड में आपको दिखाता हूं, ठीक है? देखिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दी बात है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, क्या है? आप देखिए ये बैटरी कनेक्टर से जब करंट यहां से चलेगा तो ये करंट जाएगा तुम्हारे कैपेसिटर पर, लगा कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का ये हिस्सा देखेंगे ग्राउंड है, ये पैरेलल पोजीशन में, फिर ये करंट तुम्हारा चला गया इस डायोड पे, इस डायोड का ये हिस्सा भी पैरेलल पोजीशन में,
उसके बाद फिर ये करंट चला गया तुम्हारे कैपेसिटर पे, कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा भी पैरेलल पोजीशन में, फिर उसके बाद ये करंट चला गया तुम्हारे डायोड के अंदर, डायोड का ये वाला हिस्सा भी पैरेलल पोजीशन में, उसके बाद ये सप्लाई तुम्हारी चली जाएगी तुम्हारे पावर आईसी के अंदर। लेकिन ये सप्लाई पावर आईसी पे जाएगी, लेकिन वहां से होते हुए रजिस्टर पे भी जा रही, इस रजिस्टर से फिर करंट आगे चला जाएगा, फिर ये करंट तुम्हारा चला जाएगा सीपीयू के अंदर। अब देखिए यहां पर कैसा क्या खेल हुआ कि जब ये वोल्टेज यहां से होते हुए पावर आईसी पर पहुंच गया, तो पावर आईसी पर पहुंचने के बाद एक सर्किट बना, रजिस्टर लगा। इस रजिस्टर ने क्या किया कि जो वोल्टेज 4 वोल्ट आ रहे थे, 4 वोल्टेज को 0.4 वोल्टेज कर दिया, इतना वोल्टेज कम कर दिया। ये 0.4 वोल्टेज कहां पर पहुंच गया, सीपीयू के अंदर। अब यही जो 0.4 वोल्टेज है, यही उठा करके तुम्हारा बैटरी कनेक्टर का बीएसआई में ऐड कर दिया गया। अब सीपीयू को यह पता चल जाएगा कि फोन चालू होना चाहिए। क्यों चालू होना चाहिए? क्योंकि वोल्टेज आ गए। जैसे आप अपना हाथ लेते हो, हाथ में जैसे खाना को हाथ में उठा लेते हो, तुरंत मुंह खुल जाता है। क्यों मुंह खुल जाता है? क्योंकि हाथ में जब खाना आता है तो दिमाग को पता चल जाता है मुंह खोल लेना चाहिए तभी अंदर जाएगा। ऐसा नहीं कि जब हाथ में जाएगा तभी मुंह खोलोगे तभी अंदर जाएगा। तो हाथ में खाना आने का मतलब क्या है? दिमाग को पता चल गया कि आगे काम क्या होना चाहिए। उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में जब फोन चालू होता है, तो करंट जब इस तरीके से पावर आईसी तक पहुंचता है, तो इसका एक सीक्वेंस कहां पर पहुंचता है? सीपीयू को भी पहुंचता है। तो जब सीपीयू को पहुंचता है, तो सीपीयू को पता चलता है कि आपका मोबाइल फोन क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तब सीपीयू आपको क्या करता है? मोबाइल फोन ऑन कर देता है ना। तो इस तरीके से ये जितने भी सारी चीजें जो बनती है, इस चीज को बोला जाता है सर्किट। क्या बोला जाता है? सर्किट। सर्किट का मतलब होता है ट्रैक, रास्ता, वे। अगर इनमें से कल को अगर कोई भी एक चीज खराब हो जाती है, तो आपका मोबाइल फोन का सर्किट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जब आपके मोबाइल फोन का सर्किट खराब हो जाएगा, तो आपके मोबाइल फोन में सब चीजें काम करना बंद कर देंगे। क्यों काम करना बंद करें? क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे तुम यहां पर सीखने के लिए आए, और सीखने के आने के बाद जब यहां पर बैठे हो, तुमने देखा कि आपके पैसे चोरी हो गए, तो जैसे तुमने बोला पैसे चोरी हो गए, तो तुम्हारे दिमाग को पता चल गया, तो तुम्हारा पूरा शरीर का सर्किट खराब। अब तुम जो काम करने हैं उसको छोड़ दोगे, सिर्फ पैसे ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें पीछे हो गई। उसी तरीके से मोबाइल फोन में ऐसा होता है कि अगर मान लिया आपके मोबाइल फोन में, एग्जाम्पल सी बात है, ये डायोड तुम्हारा शॉर्ट हो गया, तो जब ये डायोड शॉर्ट हो गया, तो डायोड शॉर्ट होता ही सप्लाई तुम्हारी यहीं रुक जाएगी, आगे जाना बंद हो जाएगी, फिर आपका मोबाइल फोन यहीं पर लटका रहेगा। तो जब तक आप मोबाइल फोन को खोल करके डायोड को हटा नहीं दोगे, तो आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। अब डायोड हटाने से फोन क्यों चालू हो गया? क्योंकि ये डायोड हमारा पैरेलल पोजीशन में, डायोड का एक हिस्सा माइनस है, दूसरा हिस्सा क्या है? प्लस है। अगर कल को ये डायोड तुम्हारा खराब हो जाएगा, तो पूरी लाइन को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा, ठीक। दूसरी बात क्या, कल को अगर तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, तब भी मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, तो इस रजिस्टर पर अगर जंपर मार देंगे, तब भी नहीं चालू होगा। इसलिए नहीं चालू होगा, अगर मान लो हम रजिस्टर पर कल को जंपर मार देते हैं, तो होगा क्या कि जो 4 वोल्ट करंट आ रहा था, तो सीपीयू को 4 ही वोल्ट करंट मिल जाएगा, तो सीपीयू फूक जाएगा। और अब यहां पर जो रजिस्टर लगा था, वो 10 किलो ओम का लगा था। कितना लगा था? 10 किलो ओम का। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मोबाइल फोन से 10 किलो ओम का रजिस्टर उतार के लगाओगे, तभी आपका मोबाइल फोन चालू होगा, नहीं तो मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। क्यों नहीं चालू होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू हाई है। अच्छा, ये वैल्यू जो होती है, हम लोग बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से यही थोड़ा मदद मिल जाता है कि उसकी वैल्यू पता चल जाती है। अगर उससे नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरा सेम बोर्ड होना चाहिए। उस बोर्ड से देखोगे कि यहां पर जो रजिस्टर लगा था और जो दूसरी जगह पर रजिस्टर लगा है, उसकी वैल्यू कितनी, उतनी वैल्यू का ही रजिस्टर उठा के लगा दोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो यहां पर कई जगह पर हमको ऐसा महसूस होता है कि वो कंपोनेंट्स को हटाने से भी ठीक हो जाता है, और कई जगह पर हमको ऐसा भी लगता है कि वो कंपोनेंट्स हमको लगाना भी पड़ता है। अब अच्छा, ये कंपोनेंट जो हटाना पड़ता है, कंपोनेंट लगाना पड़ता है, सर्किट जोड़ना पड़ता है, इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब भाषा को बोला जाता है ट्रैक। क्या बोला जाता है? ट्रैक। ये सारे ट्रैक जो होते हैं, मकड़ी जाल की तरह पूरे फैले होते हैं, और पूरे मोबाइल फोन में आपस में इंटरनली कनेक्टिविटी होती है और काम करते हैं। तो आपको सर जी, सब लोगों को ये समझना है कि आपस में ट्रैक काम कैसे करता है।
कई बार ऐसा होता है कि कंपनी प्रोटेक्शन के तौर पर जैसे एक है, दो है, तीन है, चार चार चीजों का इस्तेमाल कर रही है। कई बार कहो कंपनी सब चीजों को हटा दे, खाली एक ही मोटा लगा दे भाई। या तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि एक कोई भी ट्रैक है कि जैसे यहां से करंट चला, यहां से करंट चला, तुमने एक ही रजिस्टर लगा दिया 10 किलो ओम का। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल फोन में यहां पर 5-5 किलो ओम के दो रजिस्टेंस लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? 5-5 किलो ओम के दो रजिस्टर लगा सकते हो, तब भी तुम्हारा 10 हो जाएगा। लेकिन कई बार कंपनी ऐसा कर देती है कि या तो सिंगल रजिस्टर लगा देती है तब भी काम हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या कर देती है कि दो दो रजिस्टर एक बार में लगा देती है तब भी काम हो जाता है। तो दो लगाने का ओपिनियन क्या है कि डबल ट्रैक बना सकती है, और सिंगल बनाने का मतलब क्या रहता है, उसमें सिंगल ही बनेगा, फिर उसमें डबल नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से कंपनी हमारे मोबाइल फोन में कई सारे मल्टीपल सर्किट डिजाइन करती है, और वो सर्किट डिजाइन करने के बाद हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है, काम होता है। तो ये हमने दोस्तों आपको ट्रैक समझाने की कोशिश करी है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ट्रैक होते हैं उन ट्रैक को हम लोग कैसे चेक करते हैं, और डिवाइडर सर्किट क्या होते हैं, और थर्मिस्टर सर्किट क्या काम करते हैं। हमारे मोबाइल फोन में थर्मिस्टर सर्किट का एंड्रॉयड मोबाइल फोन में बहुत काफी उपयोग हो रहा है, काफी यूज होता है। वो इसीलिए यूज होता है ताकि अगर हमारा मदरबोर्ड गर्म हो तो फोन को बंद किया जा सके, या उस सप्लाई लाइन को क्या किया जा सके, डाउन किया जा सके। कई बार ऐसा होता है, देखिए ये थर्मिस्टर का, देखिए एक मैं और अच्छा आपको समझाता हूं एग्जांपल, कि जैसे मान लिया आपकी आईसी लगी, यहां से करंट आया, कंपनी ने यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, क्वाइल लगा दिया, उसके बाद सप्लाई आईसी के अंदर डाल दी, अब बीच में यहां पर रजिस्टर लगा दिया। अब ये रजिस्टर तुम्हारा पैलर पोजीशन में है, किसमें, पैलर पोजीशन में। अब पैलर पोजीशन में, अब ये बहुत पैलर पोजीशन में जो भी रजिस्टर लगाता है कंपनी लगाती है वो हाई वैल्यू का होता है। कैसा होता है? हाई वैल्यू का होता है। तो यहां से जो भी तुम्हारा 5 वोल्ट करंट आया, यहां पर करंट कम होकर 4 वोल्ट हो गया, यहां पर 4 ही वोल्ट हुआ, ये 4 वोल्ट करंट तुम्हारा आईसी के अंदर इन हो गया। कई इन केस में ऐसा हो गया कि मान लिया आईसी हल्की सी गर्म होने लगी, आईसी में वोल्टेज आया, आईसी ने काम किया, जब लगातार आईसी को यूज करोगे तो आईसी हीटिंग होगी, जब आईसी हीटिंग होगी तो आईसी के पास में ही ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये भी गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो क्या करेगा, ये जैसे ही हीट होना शुरू होगा तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये जैसे ही ये होगा तो ये वोल्टेज को पास करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? वोल्टेज को पास करना शुरू कर देता है। पास करने का मतलब समझ रहे हो, वोल्टेज को करंट को निकालेगा, वोल्टेज को पास करेगा। तो यहां से जो करंट आएगा तो जैसे ही अगर हीट होगा तो हीट होने के बाद ये करंट हल्का सा ग्राउंड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट ग्राउंड पे जाना शुरू हो जाएगा तो ग्राउंड पे जाना शुरू होने से क्या रहेगा, आईसी पे वोल्टेज की लिमिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वोल्टेज की लिमिट कम हो जाएगी तो क्या होगा, आईसी वोल्टेज कम खाएगा। दूसरी बात क्या है, कम खाने का मतलब नहीं कि आईसी को जब लगातार ज्यादा 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 वोल्टेज मिलता रहेगा तो आईसी खराब हो जाएगा। तो आईसी को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने बीच में रजिस्टर को पैलर पोजिशन में डाल दिया ताकि जो वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज था उसको ग्राउंड कर दे। जब एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा तो आईसी पे वोल्टेज की लिमिट कम हो जाएगी, तो फिर आईसी बराबर काम करेगी। जैसे मैं एग्जांपल से बात कहता हूं कि आपने एक पाइपलाइन लगा दिया, इस पाइपलाइन के बाद यहां पर एक टंकी लगा दिया, यहां से जो भी पानी आ रहा है वो टंकी पे भर रहा है। कई बार ऐसा हो गया कि जब टंकी में पानी ज्यादा भर गया तो टंकी फट जाएगी, खराब हो जाएगी, तो कंपनी हल्का सा यहां पर छोटा सा वैक्यूम छेद कर देती है। वैक्यूम छेद करने का मतलब क्या होता है, जब इसमें पानी ज्यादा भर जाएगा तो यहां से फिर लीक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमारा छत में नहीं होता कि पानी टंकी होती है, छोटा सा अलग से निकालने के लिए बना दिया जाता है ताकि जो भी पानी ओवरफ्लो हो बाहर निकल जाए। तो इसी तरीके से कंपनी यहां पर एक रेजिस्टेंस यूज कर देती है, यह रेजिस्टेंस इसलिए यूज कर देती है ताकि जो वोल्टेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, किसी की वजह से ग्राउंड हो रहा हो तो सप्लाई को नीचे कर देगा और आपके मोबाइल फोन में सर्किट क्या रहेगा, चालू रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग का ये रजिस्टर खराब हो जाता है तो ये पूरा ट्रैक शॉर्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या रहता है कि इस रजिस्टर को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं।
जैसे रजिस्टर को हटा देते हैं तो आपका काम हो जाता है, आपका सर्किट चलने लगता है। लेकिन उसके बाद अगर कल को दोबारा मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगी तो फिर लीकेज वाला सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया, सीधे आईसी को ज्यादा वोल्टेज मिले और आपके आईसी जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कई बार आपके मोबाइल फोन में ऐसा भी देखा जाता है कि जो पैलर में सप्लाई लगी होती खराब हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटा देने के बाद भी सही हो जाता है लेकिन फिर हमको जम्पर मारना पड़ता है। कई बार ये जो रजिस्टर जो सीरीज पोजीशन में लगे होते हैं, अगर ये आपका खराब हो जाएगा तब तो पूरा लाइन ही बंद हो जाएगा। जब पूरा लाइन बंद हो जाएगा तो आईसी काम करना बंद ही कर देगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक आपस में क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। मैं आपको दूसरे बोर्ड में थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लिया आपका ये लाइन है, इस लाइन में देखेंगे तो यहां से जब करंट आएगा तो यहां से करंट होते हुए रजिस्टर पर जाएगा, रजिस्टर से करंट आगे जाएगा कैपेसिटर पर जाएगा। कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा ग्राउंड है तो यहां पर देखिए काम कैसे हो रहा है। यहां पर जो करंट आया मान लिया तुम्हारा 5 वोल्ट करंट था, ये करंट तुम्हारा रजिस्टर पर गया, रजिस्टर तुम्हारा छोटा सा फ्यूजेबल लगाया गया, फ्यूजेबल का मतलब समझ रहे हो, फ्यूज की तरह, ताकि अगर कल को जैसे सर्किट में लोड पड़ेगा तो फट से उड़ जाएगा, तो लाइन ब्रेक हो जाएंगे, आगे करंट जाना बंद हो जाएगा। फिर एक करंट कैपेसिटर पर गया, फिर आईसी पर गया। अब कैपेसिटर जो लगाया गया ये क्या काम करेगा, ये अपने अंदर वोल्टेज को भरेगा, पहले वोल्टेज भरेगा तभी आगे निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। इस जैसे आपके पंखे में होता है, पंखे के अंदर कंडेंसर लगा जाता है तो पंखा क्या काम करता है, जब भी वोल्टेज आता है तो पहले अपना खुद भरता है, चार्ज होता है। ये चार्ज होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इतना समय लगता है बटन दबा के ऊपर देखने की कोशिश करो भाई इतनी देर में चार्ज होता है, बहुत जल्दी चार्ज होता है, नहीं होता कि कंडेंसर को लो ऐसे लगाओगे तो चार्ज चट से चार्ज होता है, जब ऐसे करो तो डाउन मारता है, मतलब चट से आता है, मतलब उसके अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो कंडेंसर लगा होता है ये क्या काम कर देता है, अपने अंदर वोल्टेज को भर लेता है। जब वोल्टेज भर लेगा फिर आगे देगा। आपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाया तो चार्जिंग में लगाते ही चार्जिंग बताता है, लेकिन इतना तुरंत नहीं बताता, कुछ हल्का सा माइक्रो सेकेंड का समय लगता है। उतनी देर में जो कैपेसिटर होते हैं वो थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं, वो चार्ज होने के बाद वो कैपेसिटर वोल्टेज कहां पर देते हैं, आगे को देते हैं। इससे रहता है कि अगर कल को अगर यहां पर थोड़ा सा करंट तुम्हारा कम आएगा तो भी कैपेसिटर करंट को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, लेकिन कभी कम आएगा तो पूरा करेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही कम हो गया। जैसे यहां 220 है, 220 से एकदम से 210 हो जाए, फिर 220 हो जाए, क्योंकि वोल्टेज जो होता है इसकी खासियत होती है कभी बराबर नहीं चलता, उसमें फ्लक्चुएशन क्या होता रहता है, होता रहता है। तो जब उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है तो कैपेसिटर क्या काम करता है, वो अपने अंदर भर लेता है, अगर कम होगा तो दे देगा, नहीं कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो लाइन चली रहा है। तो उसी तरीके से ये लगा जाता है ताकि अपने अंदर वोल्टेज को भर लेता है, फिर उसके बाद तब आईसी को वोल्टेज जाता है ताकि आईसी प्रॉपर तरीके से प्योरीफाई होकर के काम कर दे। ऐसे आपके मोबाइल फोन में जितने भी सारे, जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल की बात देखेंगे, यहाँ से देखो वोल्टेज गया है, फिर ये कैपेसिटर पर गया है, कैपेसिटर के बाद आईसी भी चला गया है, कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा देखो ग्राउंड है। तो इस पर देने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर वोल्टेज प्योरीफाई हो रहा है, ये पहले जो भी वोल्टेज आएगा तो इस कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज भर जाएगा, जब वोल्टेज भर जाएगा तब ये वोल्टेज तुम्हारा आईसी को मिलेगा। इससे ये रहेगा कि अगर मान लिया आईसीओ के अंदर वोल्टेज जाने में थोड़ा सा पॉइंट वोल्टेज कम भी हो गया तो ये कैपेसिटर अपने पास से वोल्टेज दे देगा। इसीलिए आप देखेंगे मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा कैपेसिटर लगे होते हैं। क्यों कैपेसिटर लगे होते हैं, इसलिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं ताकि वो मान लिया किसी दूसरी जगह से सप्लाई अगर यहाँ पर आएगी, कहीं भी दूसरी जगह से सप्लाई जब यहाँ पर आएगी तो ये सप्लाई तुम्हारा कहाँ पर जाएगी, आईसी के अंदर जाएगी। लेकिन आईसी के अंदर जाने से पहले इसका एक हिस्सा ग्राउंड होगा, ये बीच में कैपेसिटर लगाया गया। कैपेसिटर लगाने का मतलब क्या होगा, वोल्टेज पहले यहाँ पर भरेगा। इसीलिए कैपेसिटर ज्यादातर जो लगाए जाते हैं वो तुम्हारे पैलर पोजिशन में लगाए जाते हैं। इसमें लगाए जाते हैं पैलर पोजिशन लगाए जाते हैं ताकि पैलर पोजिशन में लगाएगा ताकि कैपेसिटर आपका फिल्ट्रेशन का काम करेगा। क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। अच्छा कैपेसिटर एक और काम करता है कि जो एसी पल्सेज आती है उनको क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है।
कि जैसे आपका यहाँ पर अगर डीसी वोल्टेज आएगा, अगर हल्का सा एसी वोल्टेज आएगा तो उसको क्या कर देगा, पल्स के रूप में बनाकर ग्राउंड कर देगा, जिससे वोल्टेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और डीसी करंट ही रहेगा और एसी करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी इस तरीके से काम करता है। तो ये मोबाइल फोन में आपके इस तरीके से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे ये आप देखेंगे, ये देखो सप्लाई यहाँ से चली, उसके बाद आगे गई, आगे चली गई, तो ये जो कैपेसिटर लगा है ये तुम्हारा पैरेलल में है, ये तुम्हारा सीरीज में है, ये भी सीरीज में, फिर आईसी अंदर जा रही है। तो ये जो तुम्हारा बनता जा रहा है, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं, इसकी भाषा में बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में ट्रैक की क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है। अब सब लोग क्या करेंगे, बोर्ड ले लेंगे, बोर्ड लेने के बाद, बोर्ड ले लेंगे, बोर्ड लेने के बाद